उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत उज्जैन के इन गुंडों ने सिद्ध कर दिखाई है। जी हां, खुद ने आपस में लेन देन के चक्कर में चाकूबाजी कर महाकाल थाने पर जाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दरअसल यह पूरी घटना उज्जैन के महाकाल थाने की है, जहां हिस्ट्री शीटर गुंडा महेश चौहान, जिस पर लगभग 10 से 15 अपराध महाकाल थाने में पंजीबद्ध है, जिसे हथियारों के साथ अक्सर देखा जाता है, जिस पर पूर्व में रासुका जिला बदर 307 जैसी कार्यवाही हुई है, साथ ही क्षेत्र में अवैध वसूली करने में कई बार जनता ने सामूहिक सम्मान भी किया है। साथ ही हमारे अति विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि अवैध शराब का भी कारोबार संचालित किया जाता है। रात करीब 12 बजे असामाजिक तत्व के लोगों के साथ जिस पर लगाया आरोप, उनके घर पर भीड़ लेकर पहुंचा महेश चौहान अक्सर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दिखाई देता है, जिससे जनता में भय बना रहता है। शराब के नशे में धुत थे एक गाड़ी पर 4 लोग सवारी कर जिस व्यक्ति पर मारने का और गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, उसके घर पर पहुंचकर जिसका सीसी फुटेज कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, लगभग 15 व्यक्ति गुंडे किस्म के असामाजिक तत्व के रूप में दिखाई दिए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत इन गुंडों ने सिद्ध कर दी। खुद ने आपस में लेन देन के चक्कर में चाकूबाजी कर महाकाल थाने पर जाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि इन गुंडों ने अवैध वसूली के चक्कर के संकेत सोनी और चयन शर्मा और अन्नू चौहान को धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिस व्यक्ति पर इनने हमला किया उसकी जुबानी सुनते हैं।